रिलायंस जियो और डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच में एक जो कंपटीशन चल रहा है उसमें रिलायंस जियो तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अच्छे ऑफर्स के लिए, कस्टमर्स को बेनिफिट देने के लिए, तो वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स क्या कर सकते हैं और इससे आप क्या सीख सकते हो? क्योंकि अगर आपका कल को बिजनेस होता है और वहाँ पे मोनोपोली आ जाती है और आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा उस बिजनेस में, तो आप कैसे सस्टेन कर पाओगे? तो मैं अपना एक व्यू दे रहा हूँ उस मामले पे, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखते रहिए और देखिए कि क्या आप व्यू अख्तियार कर सकते हैं। देखिए, तो अभी सिचुएशन ये है कि रिलायंस जियो जो है बहुत ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बहुत ही अपने बहुत बड़े सिस्टम के साथ 4G नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है पूरे इंडिया को, और उसके रेट्स इतने चीप हैं कि बहुत ही मुश्किल है दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए उसको मैच कर पाना और उस लेवल पे सर्विस दे पाना। क्योंकि रिलायंस जियो, उसके पास बहुत बड़ी फंडिंग है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? तो इसमें बात आती है फिर क्वालिटी देने की, इसमें बात आती है सर्विस देने की। दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, क्योंकि एग्जिस्टिंग सर्विस जो है 4G इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग, मैसेजिंग एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें तो रिलायंस दे ही रहा है और मच बेटर रेट्स पे, कम रेट्स पे। तो दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अब अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना होगा, उनको कुछ ऐसा डेवलप करना होगा जिसके बारे में रिलायंस जियो ने प्लान ही नहीं किया है, या जिसके बारे में जो भी मोनोपोली मार्केट में ला रही है कंपनी, उसके बारे में उसको पता ही नहीं है। अगर कल को आप 4G नेटवर्क का कोई सब्सिट्यूट निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपको सस्टेन करना है मार्केट में तो आपको कुछ ना कुछ इनोवेट करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा देना ही पड़ेगा मार्केट में जो यूज़र के का बहुत ही फ़ायदा पहुंचाए, जो यूज़र को बहुत अच्छी सर्विस दे, उसको बहुत फ़ायदेमंद हो और उसको वो चाहिए भी हो और वो उसे आप प्रोवाइड करो। तो आपको अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप सर्विस लेवल पर एक एग्जिस्टिंग कंपनी जिसकी मोनोपोली है मार्केट में, उससे कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और वो भी जिस रेट पे आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उस लेवल पे आप कम्पीट नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें चल रही हैं उस लेवल पे आप कम्पीट नहीं कर सकते। आप कम्पीट कर सकते हो अगर आप अपना कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आ जाओ, अपनी कोई ऐसी सर्विस लेके आ जाओ, अपना कुछ ऐसा इनोवेशन लेके आ जाओ जो सिर्फ आप दे रहे हो और जो यूज़र्स के लिए, जो कस्टमर्स के लिए फ़ायदेमंद भी है, तभी उसी केस में वो आपके पास आएंगे उस चीज़ को लेने के लिए। तो जितनी भी दूसरी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको कुछ ना कुछ रिसर्च एंड अपने डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इनोवेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक एग्जिस्टिंग सर्विस जो चल रही है उसका सब्सिट्यूट देना पड़ेगा, तभी कस्टमर्स आपकी तरफ मूव होंगे। क्योंकि अगर आप प्राइसेस पे खेलते रहोगे तो प्राइसेस पे खेलने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू इनोवेट समथिंग, यही एक तरीका है। क्योंकि प्राइसेस पे खेलने से कल आप 5 दोगे, कल वो 10 देगा, आप 5 दोगे, इसमें चीपर रेट पे जाने से किसी का कोई भला नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस चीपर दे के बर्बाद हो गए। तो उसके बाद सॉल्यूशन सिर्फ यही आता है कि आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट देना पड़ेगा, आपको कुछ इनोवेट करना पड़ेगा, आपको कोई नई चीज़ मार्केट में लानी पड़ेगी जिसके लिए कस्टमर्स आपके पास आएँ। तो अब ये ढूंढना उन कंपनीज का काम है जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो कॉम्पीट कर रही हैं मार्केट में, और इन सारे सिनारियो से आप ये सीख सकते हो कि अगर आपका कोई बिजनेस है और अगर आपका कोई बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था और उसके बाद कोई एक बड़ा बिजनेस आता है अपनी बहुत सारी फंडिंग के साथ, जो कस्टमर्स को वही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो आप प्रोवाइड करते हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप उससे कॉम्पीट कर सको। आप भी वही चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी वही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो कम पैसे में प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे केस में अब आपको अपना मैजिक लाना पड़ेगा, आपको अपना कोई इनोवेशन लाना पड़ेगा, आपको अपना कोई टच देना पड़ेगा जिससे कस्टमर्स आपके पास रुके रहें। और यही हुआ था आई थिंक 2008 में, जब सारी कंपनीज कीपैड वाले फ़ोन्स निकाल रही थी, और अगर उस टाइम कोई भी कंपनी कीपैड वाले फ़ोन के साथ नोकिया से कॉम्पीट करती तो उसका मार्केट में कोई नाम निशान नहीं होता, बिकॉज नोकिया वॉज वेरी गुड इन मेकिंग कीपैड फोन्स। आपको कुछ अलग लेके आना पड़ेगा, और उस टाइम में एप्पल ने टच फोन्स निकाले और उसके बाद
जो सारी की सारी जनता है, जो कस्टमर्स है, वो मूव हो गई एप्पल की तरफ, या फिर एप्पल का जो एक चीपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था सैमसंग, उसने टच स्क्रीन फोन्स निकाले उस टाइम। तो फिर उसके बाद सैमसंग का जन्म हुआ और दो एक बड़े ब्रांड निकल के आए, एप्पल एंड सैमसंग। और उसके बाद नोकिया खत्म हो गया। बिकॉज क्यों? क्योंकि नोकिया ने कुछ इनोवेट नहीं किया, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपना वर्क नहीं किया, कुछ नया कस्टमर्स को नहीं दिया। जबकि एप्पल ने उसी सिचुएशन में कीपैड वाली फोन जब चल रहे थे, उसी सिचुएशन में कुछ नया मार्केट में ला के दिया। तो ओवरऑल गोल इस वीडियो का ये निकल के आता है कि अगर जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको मार्केट में टफ सिचुएशन के साथ गुजरना पड़ रहा है, 10 कंपनी और 10ों कंपनी एक ही चीज़ दे रही है और प्राइस पे कस्टमर्स के साथ कम्पीट कर रही है, कस्टमर्स को कम प्राइसेस दे रहे हैं, तो आपको अपना कुछ इनोवेशन लेके आना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, अगर आपको कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना है। तो इस चीज़ से आप ये सीख सकते हो।